आज मैं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड एन एपिटाफ का सारे पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं लाया हूँ। आप लोग इसे ध्यान से इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आप लोगों को इसी क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एन एपिटाफ के लेखक वाल्टर डीला मेयर हैं। जिनके जन्म 1873 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, इसलिए इन्हें इंग्लिश पोएट कहते हैं। इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन था, इसलिए इन्हें ब्रिटिश पोएट भी कहते हैं, ब्रिटिश कवि कहते हैं। साथ ही साथ इंग्लैंड में चिल्ड्रेन पोएट के नाम से प्रसिद्ध थे, बच्चों के कवि के रूप में प्रसिद्ध। एन एपिटाफ लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। हाउ इवर मीन्स होता है यद्यपि, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, रेयर मीन्स होता है अनुपम, अनूठा, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। कभी कहते हैं यद्यपि दुर्लभ से दुर्लभ क्यों ना हो, यद्यपि अनुपम से अनुपम क्यों ना हो, समय बीतने के साथ साथ सुंदरता ढल जाती है, समाप्त हो जाती है। वाइनिश मीन्स होता है समाप्त होना, वाइनिशेज मतलब होता है समाप्त होना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर ए, द पोएट कवि एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करते हैं, कवि व्यक्त करते हैं हिज सैड फीलिंग्स, अपने गम को व्यक्त करते हैं। किसके लिए गम को व्यक्त करते हैं? तो लेडी के लिए गम को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्वीन एलिजाबेथ सम्मानित किए थे, ऑनर्ड मिस सम्मानित किए थे हिम मिस उसे विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ऑर्डर ऑफ मेरिट से वाल्टर डीला मेयर को सम्मानित किए थे। कब किए थे? 1953 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। वाल्टर डीला मेयर वाज बॉर्न मिस होता है जन्म। वाल्टर डीला मेयर का जन्म कब हुआ था? वाल्टर डीला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को आप लोग देखेंगे। वाल्टर डीला मेयर की मृत्यु कब हुई थी? वाल्टर डीला मेयर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाल्टर डीला मेयर न्यू मिस होता है जानना। वाल्टर डीला मेयर जानते थे हु इज नाउ डेड, जो अब मर चुकी है। कौन मर चुकी है? किसके बारे में कवि कह रहे हैं? उस औरत के बारे में कह रहे हैं जो कब्र में लेटी हुई है, उस लेडी के बारे में बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। द पोएट थिंग्स कभी मानते हैं, कभी सोचते हैं दैट की इज नॉट इवर लास्टिंग, टिकाऊ नहीं है। इवर लास्टिंग मिस होता है टिकाऊ। कभी मानते हैं कि टिकाऊ नहीं है, क्या चीज टिकाऊ नहीं है? सुंदरता टिकाऊ नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल हर। द पोएट फील्स कभी महसूस करते हैं, फील्स मिस महसूस करना, कभी महसूस करते हैं दैट कि आफ्टर हिज डेथ
उसके मरने के बाद नोबडी विल, कोई नहीं करेगा उसे। क्या नहीं करेगा? याद नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, हु हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर अ चिल्ड्रेन, हु हैज, कौन लिखे हैं नंबर ऑफ पोएम्स, बहुत सारे कविताएं बच्चों के लिए बहुत सारे कविता कौन लिखे हैं? वाटर डीला मेयर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खाली स्थान इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम, ह्यूमरस कविता है, आयरोनिकल कविता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एन एपिटाफ एक ह्यूमरस कविता है, आयरोनिकल कविता है। ह्यूमरस मीन्स होता हास्य, आयरोनिकल मीन्स होता है विडंबना। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, खाली स्थान इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ अ डेड, एन इंस्क्रिप्शन एक शिलालेख है, ऑन ए टॉम्ब, टॉम्ब मीन्स कब्र पर, एक शिलालेख है एक कब्र पर, इन द मेमोरी ऑफ डेड पर्सन, मरे हुए व्यक्ति के याद में एक पत्थर के कब्र पर जो बातें लिखी जाती है उसे एनेपिटाफ कहते हैं, एनेपिटाफ कहते हैं। एनेपिटाफ का परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, अ लाइन फ्रॉम, किस लाइन से लिया गया? हेयर लाइज, यहाँ लेटी हुई है एक बहुत खूबसूरत औरत, यह किस लाइन से लिया गया है? एन एपिटाफ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, हु बाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट, कौन थे जिसके हल्के थे कदम, लाइट मिस होता हल्का, स्टेप मिस होता है कदम, कौन थे जिसका हल्के थे कदम और दिल भी था हल्का, एंड हर्ट, दिल भी था हल्का, उस औरत के कह रहे हैं जो कब्र में लेटी हुई है, उस सुंदर लेडी को कवि कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु हैज मेड, कौन बनाए हैं एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर औरत के लिए एन एपिटाफ किसने बनाया है? दैट मीन्स एन एपिटाफ के लेखक कौन है? वाटर डीला मेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, वाटर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वाटर डीला मेयर मेक्स अस, हम लोगों को अवेयर मीन्स जागरूक करते हैं, वाटर डीला मेयर हम लोगों को जागरूक करते हैं, क्या चीज़ के जागरूक करते हैं? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति को जागरूक कर रहे हैं। इन ह्यूमन कंडीशन मीन्स होता है अमानवीय स्थिति, आप लोग जानते होंगे हम लोगों को मानव कहा गया है, मानव बना है मानवता से, दैट मीन्स ह्यूमनिटी से। मानवता का अर्थ होता है दूसरों को मदद करना, लेकिन आजकल के व्यक्ति के आप लोग देखते होंगे मदद करने के बजाय दूसरों को पैर खींचने में लगे होते हैं, दूसरों को पैर खींचने में लगे होते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं आधुनिक जीवन को इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, वाटर डीला मेयर इज फेमस एज ए, वाटर डीला मेयर फेमस हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? चिल्ड्रन पोएट के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, द लेडी औरत हु इज डाइड, जो मर चुकी है,
लाइज लेटी हुई है, कहाँ लेटी हुई है, कहाँ दफन हुई है? ग्रेव, कब्र में दफन हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊं, व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल मीन्स होना मरना, मरना होता है। हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा, कौन याद करेगा? कवि कह रहे हैं जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा? इज रिटन बाय, लिखे हैं किसने, लिखे हैं वाटाडीला मेयर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।